तर मी जनरली व्हिडिओमध्ये असं ओपन नाही करू शकत की माझी 2 फुटाची किंमत एवढी आहे, 2.5 फुटाची किंमत एवढी आहे, 4 फुटाची किंमत एवढी आहे. तुमच्या माध्यमातून मला 2 कस्टमर एक 9 तारीख गुजरात मिळाला, रूम नंबर तुम्ही बघा 405. हा हा. त्याने मोठी ऑनलाईनच बुकिंग केली, मला ऑनलाईन पेमेंट केलं. ते स्वतः बोलले की आम्ही मुंबईमध्ये येऊन घेऊन जाऊ. त्यावरती पब्लिक गणपती अप्पा के एक और वर्कशॉप के वीडियो में आप सभी का स्वागत है. तो जैसा कि आज मैं जा रहा हूँ मुंबई के सबसे बड़े वर्कशॉप में जो कि है परेल में, और वहाँ पर अभी गणपति अप्पा की काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आ चुकी है. तो चलिए डायरेक्ट आपको वर्कशॉप में पहुँच के दिखा दो. एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ परेल वर्कशॉप में. सो पब्लिक ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी गणपति अप्पा की मूर्तियाँ मिल जाएगी. इस कला को आप सब देखिए, कितना ही मस्त नज़ारा लग रहा है ये. और यहाँ पर ये देखिए एक और गणपति अप्पा की एकदम सुंदर प्रतिमा. ये देखिए ये वर्कशॉप कितना बड़ा है, इसलिए इसे मुंबई का सबसे बड़ा वर्कशॉप कहा जाता है. यहाँ पर बहुत सारे गणपति अप्पा की मूर्ति है, पर एक विराजमान नंदी जी की मूर्ति भी है. आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें गणपति अप्पा के ऊपर हार दिख रहा है, ये कोई हार ऐसा चढ़ाया नहीं गया, इसे मिट्टी से बनाया जाता है. आइए आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं. ये देखिए इसे इस तरह बनाया जाता है, फिर बाद में इसके ऊपर ऐसा कलर किया जाता है कि हमें लगता है एकदम असली हार है वो. यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी विशाल विशाल गणपति अप्पा की मूर्ति है, लेकिन मैं सब आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी सारी मूर्तियाँ बन के पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है. तो फिर हम लोग कुछ दिन के बाद इस वर्कशॉप में आते हैं और आपको यहाँ का फुल वीडियो दिखाते हैं. यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग काम में लगे हुए हैं गणपति अप्पा की पूरी मूर्ति तैयार करने में. आधी अधूरी मूर्ति हम नहीं दिखा सकते हैं, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट का नोटिस आया, मैंने आप सबको बताया था. तो चलिए अभी इस वर्कशॉप से निकलते हैं. तो अभी चलिए मैं परेल वर्कशॉप से बाहर आ चुका हूँ. अभी मैं यहाँ से आता हूँ दूसरे वर्कशॉप की तरफ. आप सबको मैं दूसरे वर्कशॉप में पहुँच के दिखाता हूँ. चलिए गणपति अप्पा मोरिया. तो पब्लिक इस समय मैं जा रहा हूँ गण संकुल में, जो कि करीर स्टेशन से जस्ट बाजू में ही है. अगर आप करीर स्टेशन से उतरेंगे ना तो आपको वहीं पर दिख जाएगा गण संकुल, और वो भारत माता उद्यान के यहाँ पर है. उसके बाजू में ही आपको अरुण दत्ते जी का वर्कशॉप भी मिल जाएगा. जैसा कि गण संकुल के अंदर बहुत सारी हमें घर गुच्छी मूर्तियाँ मिल जाती है गणपति अप्पा की, घर पर बिठाने के लिए 1 फुट से लेकर 4 फुट तक की हमें सभी मूर्तियाँ मिल जाती है. और गण संकुल के अंदर ही हमें श्री राजन खाटू जी का वर्कशॉप भी मिल जाता है. लेकिन अभी कैसा कि कुछ दिन और लगेगा राजन खाटू जी के वर्कशॉप में. अभी गणपति अप्पा की मूर्तियाँ पूरी तरह से भी तैयार नहीं हुई है, तो अभी उधर और थोड़ा समय लग सकता है. ये देखिए हमें यहाँ पर गणपति अप्पा की बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ दिख जाएगी. ये देखिए, और यहाँ पर हर एक होते ना गणपति अप्पा की मूर्तियाँ सेल करने वाले लोग अलग अलग है. यहाँ पर गणेश आर्ट है, यहाँ पर श्री गणेश चित्रशाला है. ये देखिए 1 फुट की गणपति अप्पा की एकदम नन्ही नन्ही मूर्तियाँ, बहुत ही प्यारी प्यारी. यहाँ पर अभी यहीं पर सामने हमें श्री राजन खाटू जी का वर्कशॉप दिख जाता है, लेकिन अभी गणपति अप्पा की मूर्ति तैयार नहीं हुई है तो हम अभी अंदर नहीं जा सकते हैं, और वीडियो भी बनाने के लिए परमिशन नहीं है. सार्थक आर्ट्स श्री गणेश चित्रशाला. देखिए कितनी मस्त मस्त गणपति अप्पा की यहाँ पर मूर्ति है. ये देखिए घर पे बिठाने के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी गणपति अप्पा की मूर्ति है यहाँ पर. जब मैं यहाँ पर अगली बार आऊँगा तब मैं यहाँ से परमिशन लेके, मतलब यहाँ पर जितने सारे गणपति अप्पा है उनका डिटेल में वहाँ सब वीडियो बना के मैं आप सबको दिखाता हूँ. जब तक आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए. और अभी गणपति अप्पा के वर्कशॉप की बहुत सारी वीडियोस अभी मेरे चैनल पर आएगी, तो आप सब सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए. तो चलिए अभी जैसा कि गण संकुल में भी हमने गणपति अप्पा की प्यारी प्यारी मूर्ति देख ली है, तो हम निकलते हैं गण संकुल से और जाते हैं किसी दूसरे वर्कशॉप में. चलिए गणपति अप्पा पहुंच चुका चिंचपोकली स्टेशन. अभी यहाँ से हम लोग जाते हैं किसी वर्कशॉप में, ढूंढते हैं यहाँ पर कितने सारे वर्कशॉप है, उसमें से कुछ वर्कशॉप कवर करने की कोशिश करते हैं. चलिए वैसे तो हमें चिंचपोकली में बहुत सारे वर्कशॉप मिल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगा चिंचपोकली का चिंतामणि गणेश जी के वर्कशॉप में, जहाँ पर चिंतामणि की गणपति अप्पा की मूर्ति तैयार हो रही है. सबसे पहले मैं वहाँ पर जाने की कोशिश करता हूँ, और अगर मुझे वहाँ पर जाने मिलता है तब मैं आप सबको वीडियो भी दिखाता हूँ कि चिंतामणि की गणपति अभी तक की कितनी तैयार हो चुकी है
अभी उनका कितना काम बाकी है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं यहाँ से आगे। मैं यहाँ पर चिंचपोकली के ब्रिज के नीचे उतरते ही श्री सुहासिनी आर्ट्स, यहाँ पे भी गणपति बप्पा की बहुत प्यारी प्यारी मूर्ति देखने के लिए मिल जाती है। आप सब देखिए, थोड़ा सा ही आगे जाने पर आप सब देख सकते हैं यहाँ पर अभी सब मंडप की तैयारी चालू है। इसके अंदर ये मूर्ति बनने के लिए आएगी गणपति बप्पा की। और सामने ही हमें पोहेकर आर्ट्स भी देखने के लिए मिल जाता है, उनका बैनर ये देखिए। अभी चलिए यहाँ पर देखते हैं श्री चिंतामणि की गणपति कहाँ पर तैयार हो रही है और आप सबको भी दिखाते हैं। पाठ पूजन के बाद का दृश्य है चिंचपोकली का, जहाँ पर चिंतामणि जी की गणपति बैठती है। पब्लिक, मुझे चिंचपोकली आने के बाद पता चला कि चिंतामणि की जो गणपति बप्पा की मूर्ति है वो भी परेल वर्कशॉप में ही तैयार हुई है। और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, अभी परेल वर्कशॉप में गणपति बप्पा की मूर्ति अभी तक पूरी रेडी नहीं हुई है, तो उतना वीडियो मैं आप सबको नहीं दिखा सकता हूँ। तो अभी चलिए मैं यहाँ से जाता हूँ किरण सर जी के पास। जैसे कि मैंने आप सबको लास्ट वीडियो में बताया था, किरण यादव सर जी, उनके यहाँ पर घर पर बिठाने के लिए हमें गणपति बप्पा की छोटी छोटी मूर्ति मिल जाती है। तो अभी उनके यहाँ पर और बहुत सारे नए नए कलेक्शन आए हुए हैं, तो चलिए हम लोग जाते हैं वहाँ पर और आपको गणपति बप्पा की और सारी मूर्तियाँ दिखाते हैं। चलिए तो पब्लिक, चलिए फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ किरण सर जी के यहाँ पर, श्री सिद्धि वल्लभा आर्ट्स में। चलिए आप सबको किरण यादव सर जी से बात करके बताता हूँ। पब्लिक, अभी हमें किरण सर के यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति लेने का जो ऑप्शन मिल जाता है, मैं आप सबको मिट्टी की मूर्तियाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी पूरा एकदम नया कलेक्शन ही आया है किरण सर के यहाँ पर। ये पूरी हमें बाल गणेश की मूर्तियाँ मिट्टी से बनी हुई हमें मिलती है। और ये देखिए, यहाँ पर अभी आपको मिट्टी की गणपति दिखाता हूँ, ये मिट्टी से बनी हुई है। देखिए अभी किरण सर बिजी है। दादा, अपने जो व्यूअर लोग हैं, अपना जो वीडियो लोग ने देखा था, तो लोग अपने को पूछते हैं, मतलब आप अगर एक बार गणपति का प्राइस बता दोगे लोग को तो थोड़ा कम्फर्टेबल लगेगा। नहीं, कसं आहे की गणपतीच्या कारखान्यामध्ये, हां, आज मुंबईमध्ये बरेचसे कारखानदार असतात, प्रत्येकजण प्रत्येकाच्या कारखान्यामध्ये व्हिडिओ शूट करत असतो, कारण त्यांचा ॲडव्हर्टायझिंग व्हायला पाहिजे, त्यांनी केलेल्या कामाची कला कौशल्य हे लोकांना कळलं पाहिजे। हां हां, तर त्या हिशोबाने प्रत्येकजण रेट कोट करत असतो। हो, तर मी प्रत्येकाला, समजा जर मला ऑनलाईन कस्टमर जर असा तुमच्या माध्यमातून माझा नंबर घेऊन जर मिळत असेल, तर मी जनरली व्हिडिओमध्ये असं ओपन नाही करू शकत की माझी 2 फुटाची किंमत एवढी आहे, 2.5 फुटाची किंमत एवढी आहे, 4 फुटाची किंमत एवढी आहे, शाडू मातीच्या मूर्तीची किंमत एवढी आहे। जनरली कसं, माझा नंबर तुम्हाला दिलेला आहे बॅनरवरती, तुम्ही मला ऑनलाईनमध्ये जर बुकिंग करत असाल, मुंबईच्या बाहेर असतील लोक किंवा मुंबईमधली असतील, तर त्यांनी कृपया माझा नंबर दिला, मला व्हॉट्सअपवरती त्यांनी विचारावं किंवा मला कॉल करावा, त्या मूर्तीचा मी त्यांना फोटो पाठवून त्याच्यामध्ये त्यांची किंमत लिहिली जाईल, त्यावर त्यांची मूर्ती बुक होईल। म्हणजे ते जेणेकरून त्यांनाही सोपं पडेल आणि मलाही सोपं पडेल, कारण जर मी ओपनमध्ये जर किमती जर ठेवल्या तर त्या बाकीच्या कारखानदारांना सुद्धा त्याचा त्रास होऊ शकतो। म्हणजे लोक बोलणार की मग ह्याच्याकडे एवढ्या कमतीने या मूर्त्या विकतात जास्त, मग ते तसं नको आहे, प्रत्येकाचा व्यापार व्यवस्थित झाला पाहिजे, हीच माझी मानसिकता आहे, बाकी याच्या बाबतीत काय दिसत नाही। मतलब आपको पर्सनली मैसेज करने का, फोन करना बता दो, माझ्या मोबाईलवर व्हाट्सअपवर मला मेसेज करावा, त्यांनी कॉल करावा, नंबर तर दिलेला आहे तुम्ही व्हिडिओमध्ये, त्या नंबरवर त्यांनी कॉल करावा, मी त्यांना फोटोही टाकत जाईल, जर काही फोटो त्यांना मिळत नसेल तर मी फोटोही त्यांना पाठवत जाईल। नवीन समजा कलेक्शन आलंय तर नवीन कलेक्शन मध्ये जे काही काम केलंय काय नाही तुम्ही ते त्यांना पर्सनलवरती टाकू शकतो, त्याच्यावर ते चॉईस करू शकतात। आता तुमच्या माध्यमातून मला 2 कस्टमर, एक नवसारी गुजरातचा एक मिळाला, रूम नंबर तुम्ही बघा 405, त्यांनी मूर्ती ऑनलाईनच बुकिंग केली, मला ऑनलाईन पेमेंट केलं, ते स्वतः बोलले की आम्ही मुंबईमध्ये येऊन घेऊन जाऊ। अच्छा, हे कसं होतं की प्रत्येकाला हे मिळतं, त्याच्या हिशोबाने हे करू शकतो। हां, तर बघले अभि, जैसा की किरण सरने हमें गणपती बप्पाची मूर्ती के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। अगर आप सबको गणपती बप्पाची मूर्ती बुक करना है, आप मुंबई से बाहर रहते हो, या तो अगर आपको प्राइस का अगर पता करना है, तो मैंने वीडियो में किरण सर का नंबर, मतलब उस पर दिखाया गया है बैनर पे, तो आप सब उन्हें व्हाट्सअप कर दीजिए या तो कॉल कर दीजिए डायरेक्ट, वो आपको फोटो के साथ में आपको प्राइस बता देंगे। अब ऐसा ओपन में डायरेक्ट बताना ऐसा मतलब अच्छा नहीं लगता है, और बता भी नहीं सकते ऐसा रूल के हिसाब से, इसके लिए आप तो उनको फ़ोन कर दीजिए, वैसे आपको बता देंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ में आज के व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल आपसे एक और नए व्लॉग में। जब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।